और हमारे चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम उत्तरी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन मनाली में शीर्ष पांच पर्यटन स्थलों की खोज करेंगे हमारी सूची में सबसे पहले रोहतांग दर्रा है एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा जो मनाली को लाहौल और स्पीति की सुदूर घाटी से जोड़ता है यह दर्शनीय ड्राइव हिमालय के परिदृश्य के लुभावने दृश्य प्रस्तुत करता है जहां तक नजर जा सकती है बर्फ से ढकी चोटियां और ग्लेशियर फैले हुए हैं आप सर्दियों के महीनों में स्कीइंग स्नोबोर्डिंग और रेपलिंग स्नो जैसी गतिविधियों का और रैपलिंग जैसी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं घाटी को बर्फ से ढके पहाड़ों और हरे भरे हरियाली के मनोरम दृश्यों के लिए भी जाना जाता है जो इसे फोटोग्राफी के लिए एक बेहतरीन जगह बनाता है हमारी सूची में तीसरा हडिम्बा मंदिर है जो हडिम्बा देवी को समर्पित एक अनूठा और प्राचीन मंदिर है यह मंदिर सुंदर देवदार के जंगल से घिरा हुआ है और इसमें जटिल लकड़ी की नक्काशी और वास्तुकला है आगंतुक पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन और स्थानीय भोजन चखने जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग ले सकते हैं आगे बढ़ते हुए हमारे पास मनाली अभ्यारण्य है जो ब्यास नदी के तट पर स्थित एक प्रकृति रिजर्व है यह अभ्यारण्य हिमालयी काले भालू तेंदुए और कस्तूरी मृक् सहित विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का घर है पर्यटक इस खूबसूरत प्राकृतिक परिवेश में ट्रैकिंग कैंपिंग और पक्षियों को देखने का आनंद ले सकते हैं अंतिम लेकिन निश्चित रूप से कम से कम हमारे पास वशिष्ठ हॉट स्प्रिंग्स हैं जो विश्राम और कायाकल्प के लिए एक लोकप्रिय स्थान है माना जाता है कि इन प्राकृतिक गर्म झरनों में औषधीय गुण हैं और ये सुंदर हरियाली और आश्चर्यजनक पहाड़ी दृश्यों से घिरे हैं ताज़ा कंट्रास्ट के 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 लिए आगंतुक पास ठंडे पानी पूल में डूबकी भी लगा सकते हैं यह मनाली के शीर्ष पांच पर्यटन स्थलों की हमारी सूची को समाप्त करता है हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इस खूबसूरत हिल स्टेशन की अपनी अगली यात्रा के लिए कुछ प्रेरणा दी है देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे